और अब खबर सिरोही से है, जहां जिला मुख्यालय पर चल रही शराब की अवैध दुकान, आपको बता दें आबकारी विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से ये दुकान चल रही है। अवैध शराब की दुकान से सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। जिला उद्योग केंद्र के पास संचालित ये अवैध दुकान, और इस दुकान की आप तस्वीर देख सकते हैं। जिला आबकारी अधिकारी और सर्किल आबकारी निरीक्षक को शिकायत दी गई है। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शराब गोदाम के आड़ में ये दुकान चलाई जा रही है, तो राजस्व का भी नुकसान होता है। और देखा जा सकता है कि किस तरह से लीपापोती यहां पर अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संचालक पर अधिकारियों की मेहरबानी साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। शिकायतें कई बार की जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई इस दुकान पर नहीं की गई है। और गोदाम की आड़ में इस दुकान को संचालित किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क आपको दिखा रहा है इस दुकान की। शराब गोदाम के आड़ में ये दुकान चलाई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरोही से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह। विक्रम, सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है, और कहीं ना कहीं संरक्षण अधिकारियों को मिला हुआ है इस दुकान पर, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी सौरभ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। सिरोही जिले में जो है धड़ल्ले से जो अवैध शराब की बिक्री है वो लगातार यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे सिरोही जिला मुख्यालय की अगर बात करूँ तो सिरोही जिला मुख्यालय में जो जिला उद्योग केंद्र है उसके पास में एक शराब का गोदाम जो है, वहां से लगातार शराब की बिक्री हो रही है। जिला आबकारी अधिकारी और जिला आबकारी सरकार जो वरिष्ठ निरीक्षक है उनको शिकायत करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसमें 100% आबकारी विभाग की मिलीभगत है। इसको मिलीभगत ये कहा जा सकता है कि बार बार शिकायतों के बाद में लोगों की शिकायतें वहां पे आ रही है। उसके बाद में सच बेधड़क ने भी उनको जाकर के बताया कि ये सारा स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है और इस प्रकार से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिलीभगत का एक नमूना है। जी ठीक है, ऐसे में आला अधिकारियों को कुछ बातचीत हो पाई उनसे, उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में जब जिला आबकारी अधिकारी से बात हुई तो जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि जो शराब का गोदाम है, जो गोदाम से तो बिक्री की जा सकती है, शराब के गोदाम पे हमने इसको गोदाम का लाइसेंस दे रखा है, लेकिन गोदाम नियमानुसार गोदाम से जो है वो किसी भी प्रकार की बिक्री नहीं हो सकती। नियमानुसार शराब की बिक्री सिर्फ और सिर्फ शराब की दुकान से हो सकती है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई नहीं हो सकती बिक्री। लेकिन वहाँ पे आबकारी अधिकारी और आबकारी जो सर्कल इंचार्ज है उसकी जो मिली भगत है उनकी जो वहाँ पे उनका संरक्षण है, जिसके कारण से ये लगातार वहाँ से शराब की बिक्री हो रही है। जी सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिरोही से, जहाँ पर गोदाम की आड़ में ये दुकान संचालित की जा रही है। राजस्व को नुकसान हो रहा है और शिकायत के बाद भी इस दुकान पर कार्रवाई नहीं की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीआई आशीष शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, बड़ा मसला है सर, राजस्व को नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह अधिकारियों को नहीं है, पुलिस का क्या रोल होना चाहिए था अभी तक? तो सीआई आशीष शर्मा ने फोन कॉल काट दिया है, सवाल के जवाब से बचते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि सच बेधड़क ने स्टिंग किया इस दुकान पर, अवैध दुकान संचालित की जा रही है गोदाम की आड़ में, सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन उसकी कोई चिंता यहाँ पर अधिकारियों को नहीं है। लीपापोती करते हुए कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, टालमटोल किया जा रहा है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी संरक्षण यहाँ पर संचालक को मिला हुआ है कर्मचारियों का। शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होना और राजस्व को नुकसान पहुंचना बड़े मामले हैं, लेकिन अधिकारियों की यहां पर कारगुजारी और मेहरबानी दोनों चीज़ें साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो एक और राजस्व को नुकसान होता है, दूसरी तरफ इलीगल ये दुकान संचालित की जाती है, शिकायतें दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में इस तरह के आपराधिक तत्व और आगे ज़्यादा हावी होते हैं और इस तरह के अपराध और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं अवैध रूप से इस दुकान का संचालन गोदाम की आड़ में किया जा रहा है, स्टिंग किया गया सच बेधड़क टीम की ओर से, और स्टिंग के बाद अधिकारियों को सूचना दी गई, बावजूद इसके सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। संचालक पर अधिकारियों की मेहरबानी इस बात से साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो जिला मुख्यालय पर अवैध शराब की दुकान और संचालक पर अधिकारियों की मेहरबानी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
स्टिंग करने के बाद वीडियो दिखाया गया अधिकारियों को, बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।